नमस्ते, मैं मुंबई से, मेरा नाम अनघा है। मैं आपको एक बीच दिखाने वाली हूँ, उसका नाम है अरांचली। इसमें ना कल मैंने ना दाल खिचड़ी बनाई थी, मूंग की दाल और चावल के साथ हम लोग दाल खिचड़ी बनाते हैं। और इसके साथ में ना ये टमाटो सार, मतलब टमाटो रसम जैसा है, ये दोनों हम लोग खाते हैं। ये कल मैंने मूंग खिचड़ी, दाल की खिचड़ी जो बनाई ना, वो उसका और ये रसम का क्या करें, खाना वेस्ट नहीं जाइए, इसके लिए मैं आगे की ये रेसिपी बना रही हूँ। तो अभी मैं इसे क्या आपको दिखाती हूँ, क्या क्या इसके लिए मुझे क्या क्या सामग्री लगती है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके लिए बॉइल्ड बटाटा लिया है और मिर्ची ली है, उसमें बारीक काटी है, ओनियन बारीक काटा है, फिर जो अपनी चपाती रहती है ना, तो उसको मैंने मिक्सर में पीसा है। इसका मैं क्या उपयोग करूंगी बाद में आपको बताऊंगी। जैसे ब्रेड क्रम्स कैसे करते हैं, तो ब्रेड के अलावा मैंने ये आज चपाती ली है जो मैंने कल बनाई थी। और इसमें थोड़ा शिमला मिर्ची है और ये आटा है, गेहूं का जो आटा रहता है ना, वो आटा है। इसमें मैदा है, फिर अचार लिया है मैंने, थोड़ा चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ा अदरक मैंने बारीक बारीक काटा है, इसमें नमक है और इसमें बटर है, और थोड़ा पानी है, ऑयल है। अभी मैं आगे क्या करना है मैं आपको बता दी। ये जो मैंने चावल और मूंग की दाल जो खिचड़ी बनाई है ना, इसमें तो ये चावल है, चावल में तो बहुत विटामिन्स रहते हैं, आयरन रहता है, बहुत ही उसका मतलब फायदा होता है। और जो मैंने ये साथ में टमाटो का जो सार लिया है, रसम बोलते हैं ना उसको, वो टमाटो का क्या है, उसमें टमाटो की वजह से अपने जो शरीर में जो ब्लड खून रहता है ना, उसकी मात्रा बढ़ती है, आयरन बढ़ता है। और जो टमाटो का खासियत क्या है कि ये अपन दूध पीते हैं ना, उससे भी डबल इससे अपने को आयरन की उसमें मात्रा मिलती है। अभी ये जो मैंने खिचड़ी जो बनाई है वो मैं स्मैश कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने पहले जो अपना नॉर्मल जो चावल बनाते हैं वैसे ही मैंने ये सब बनाया है। अभी इसमें मैं क्या करूँगी, ये अच्छे से पूरे स्मैश करना है। मैं हाथ से ही करती हूँ क्योंकि मुझे स्पून से मालूम नहीं पड़ता है, हाथ के स्पर्श से मालूम पड़ता है कि कितना वो स्मैश हुआ है। अभी इसमें मैं ना थोड़ा एक पोटैटो मैंने इसमें लिया है, पोटैटो में भी बहुत आयरन की मात्रा होती है, तो ये पोटैटो मैंने स्मैश करके लिया है, एक पोटैटो मैंने लिया है इसमें। स्मैश करती हूँ पोटैटो के बाद में स्वादानुसार जितना आपको तीखा चाहिए ना उतना आप मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्ची डाला है। फिर मिर्ची के बाद में मैंने आपको बोला ना, मैंने कल का चपाती मेरे पास जो बचा था उसको मैंने ना मिक्सर में ऐसा बारीक पीसा है, देखो ऐसा ऐसा पीसा है, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सब मिलजुल के एक साथ ऐसा करना है। फिर इसके बाद में ये ओनियन डालना है, ये ओनियन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। घर में तीखा सबको पसंद है, मैं पूरी मिर्ची डाल देती हूँ। अभी ये ओनियन सब ऐसा एक सब मिलजुल के स्मैश कर रही हूँ मैं। अभी जब मैं खिचड़ी बना रही थी ना, तो उसमें हम लोग नमक डालते हैं, तो इसमें नमक डालने के टाइम पे है ना थोड़ा सोच समझ के नमक डालना है, ज्यादा नमक नहीं डालना है। मैं आपको पहला सामग्री जो मैंने लिया है तभी मैं आपको एक बताना भूल गई, ये मैंने ना पापड़ रहते हैं ना अपने पापड़, कच्चा पापड़, वो भी मैंने मिक्सर में उसका बारीक ऐसा पीस के लिया है,
तो इसका भी मैं क्या मैं आके बताऊंगी उसका मैं क्या उपयोग कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि राइस में ऑलरेडी नमक है, तो ज्यादा नमक नहीं डालना है। तो अभी इसमें मैंने क्या डाला है, राइस, खिचड़ी, चपाती का चूरा, पोटैटो और चपाती का चूरा, पोटैटो और ओनियन। अभी क्या करना है, ये जो है ये ऑप्शन है, ये आप डाल सकते हैं, ये मेरे बच्चे को अच्छा लगता है इसके लिए मैं डालती हूँ चिली फ्लेक्स। ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम लोग इसमें ऐड करेंगे और जो अदरक का टुकड़ा है वो भी इसमें ऐड करेंगे, पूरा अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड करेंगे। हो गया। अभी क्या करना है, इसके आगे इसके छोटे छोटे बाउल्स करने हैं। मैं एक प्लेट लेती हूँ और उसके छोटे छोटे बाउल्स करती हूँ। एक्चुअली ये इटालियन डिश है, उसमें उन लोग तूर दाल का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे घर में मूंग की दाल से खिचड़ी बनाते हैं, इसके लिए मैंने मूंग की दाल डाली है राउंड शेप में। ये अपने बाउल्स हो गए पूरे रेडी, जरा मैं बराबर उसको शेप देती हूँ। मैंने ना यहाँ पे एक चमचा दो चमचा ये मैदा लिया है, इसमें ना थोड़ा 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 पानी डालना है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके ऐसा आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है। मैं ये भी ना हाथ से करती हूँ, मुझे चम्मच से नहीं मालूम पड़ेगा, उसकी गुठली बराबर से भी देखिए। ये हो गया अपना मैदे का पेस्ट, हो गया, ये भी अच्छे से रेडी हो गया पूरा। ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा इतना पतला होना चाहिए। हाँ ऐसा। अभी क्या करना चाहिए, अभी इसके बाद में बोला ना मैंने पापड़ मिक्सर में, कच्चा पापड़ है ये पापड़ मिक्सर में मैंने एकदम बारीक पीसा है। अभी इतना लेती हूँ, बाद में लगेगा तो वापस ले करती हूँ। ये मैं इसमें ऐसे डुबा के, ये ऐसे डुबा के इसको ऊपर से ये पापड़ का चूरा लगाऊंगी। हो गया, पूरे सब साइड से पापड़ डालना है उसके ऊपर। ये अच्छे से ऐसे ही सब बाउल को इसमें डुबा के इसमें ये पापड़ सब जगह उसको गोल गोल घुमा के ये हो गया अपना सेकेंड वाला। ये सब अपना पापड़ लगा के हो गया। अभी ये ना जो मैंने पापड़ लगाया इसमें ना ये पूरी प्लेट है ना मैं फ्रिज में रख दूंगी, ये पूरी प्लेट में उसको थोड़ा फ्रिज में रखेंगे ना तो सेट हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम मैं फ्रिज में रखती हूँ, तब तक अपने को क्या करना है, ये जो मैंने आपको बोला ना मैंने ये सार बनाया है,
ये जो मैंने सार बनाया ना वो मैं आपको बोलती हूँ। ये क्या करना है, ये जो सार मैंने बनाया इसको अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से ऐसे हिला के इसको ऐसा छान लेना है। ये ऐसे ऐसे करेंगे ना फटाफट फटाफट हो जाता है। अभी ये इसमें मैं डालती हूँ। अभी ये जो मैंने सार है ना उसका मैं ना सॉस करके दिखाऊंगी, उसका मैं सॉस कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक क्या करना है, एक साइड में है ना इस गैस चालू करना है और इधर भी मैं गैस चालू करती हूँ और जो अपना ऑयल है ना वो भी गर्म होने के लिए मैं रखती हूँ। हाँ तब तक क्या करना है, ये जो मैंने गेहूं का आटा लिया है, गेहूं का आटा वो उसमें 2 चम्मच डालना है। इसको मैं फ्राई करती हूँ। अभी ये कैसा फ्राई होगा मुझे स्मेल से मालूम पड़ेगा कि कब मुझे वो डालना है। अभी थोड़ा स्मेल आने लगा है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, ये बड़ा चम्मच ही लेती हूँ। ये अभी थोड़ा थोड़ा स्मेल मुझे आने लगा है। ये जो मैं जो सार है ना इसमें मैं ये सब डाल रही हूँ, ये पूरा इसमें ऐड करती हूँ और ये अपने को फटाफट फटाफट इसे सब करना है। ये बाद में अच्छे से ठीक हो जाएगा, ये ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ये पूरा अपना जो आटा है उसमें मेल्ट हो जाएगा। तब तक मैं क्या करती हूँ, एक पैन मैंने जो रखा है उसमें है ना थोड़ा सा मैं मस्का डालती हूँ, एकदम थोड़ा सा डालना है उसमें मस्का, ऐड करती हूँ मस्का। मस्के में है ना जो ओनियन अपना बचा है ना वो डालना है, करना है थोड़ा सा रेड सॉल्ट चाहिए और ये अपना शिमला मिर्ची भी उसमें फ्राई करना है। इसे फ्राई करना है, यहाँ भी घुमाना है। सॉस रेडी हो रहा है, ये थिकनेस इसका अभी पहले से देखो जैसा थिकनेस जरा बढ़ रहा है ना इसका, ये मऊ हुआ है क्या मैं जितना पड़ेगा मुझे शिमला मिर्ची पका हुआ है तो थोड़ा और भुनना पड़ेगा कॉटे कर लू मैं इसको। ये हो गया अपना, ये गैस मैं ऑफ करती हूँ। अभी जो अपने बाउल डाले हैं ना फ्रिज में रखे हैं ना सेट करने के लिए वो मैं ओपन करती हूँ। अभी ये अपना सॉस रेडी हो रहा है, 2 मिनट में और मुझे करना है वो थिकनेस थोड़ा चाहिए, थोड़ा पतला ही है वो। अभी जो है जो बाउल है ना मैं तेल गरम हुआ है कि इसमें बाउल में डाल रही हूँ। अभी मैंने गैस थोड़ा कम किया है, थोड़ा एकदम बढ़ाएंगे तो फ्री हो जाएगा ना, मेरा सॉस होने आ गया है।
अभी इसको उल्टा पलट करती हूँ। थोड़ा सा हिलाती हूँ इसको। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये अपना सॉस भी रेडी हो गया, पूरा अपना सॉस रेडी हो गया। इतना देखते को कितना पहला पतला था ना। मैंने वो गैस बंद किया है। अभी मैं सॉस का है ना आपको दिखाती हूँ। ये सॉस में ये बाउल में निकालती हूँ। देखो मैंने ये सॉस बाउल में निकाला। देखो इतना थिक हो गया है। फिर इसमें जो हमने वो बनाया ना शिमला मिर्च और ओनियन, ये इसमें मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, खाएंगे ना बहुत प्यारा लगता है इसका टेस्ट। अपन दांत के नीचे आता है ना थोड़ा ओनियन एंड शिमला मिर्ची, तो वो बहुत अच्छा है। आपको पहले बोला ना मैंने अचार लिया है, और ये पूरे अचार में इसमें मिक्स करती हूँ। अचार मैंने इसमें मिक्स किया, ये सब में ऐसा कितना मस्त खुशबू आ रही है इसकी। अभी है ना इसमें एक अपने को ग्रीन चटनी चाहिए, वो मैंने बना के रखी है। ग्रीन चटनी है ये। अभी ये मेरे बाउल हो गए, ये मैं गैस ऑफ करती हूँ और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता निकालती हूँ। ये मेरे बाउल लड्डू के बाउल रेडी हो गए। अच्छा कलर आया है इसको भी। अभी है ना क्या करना है, पहला है ना ये सॉस डालना है, हाँ फिर उसके ऊपर ये अपना बाउल डालना है। ऐसे सब जगह सॉस डाल के ये बाउल ऐसे रखना है। अभी इसके ऊपर भी ये वापस सॉस डालना है। ये सॉस डाला इसके ऊपर, इसे सॉस डाला। ये जो हरी चटनी मैंने बनाई है ना, ये थोड़ा थोड़ा सब बाउल में एक एक थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्रॉप डालना है। हरी चटनी के ऐसे ड्रॉप्स डालने हैं। ये ऐसे हरी चटनी के ड्रॉप्स डालेंगे। फिर है ना मुझे इसमें ना ये चने की दाल है, खारा चना रहता है ना वो दाल है, वो उसके ऊपर ऐसे डाल देना है गार्निशिंग के लिए। इसे डाल देना है स्प्रिंग ओनियन है, वो मैं ऐसे उसके ऊपर ऐसे डालूंगी। थोड़ा सा कलर भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी आ जाता है। मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये मेरी पूरी डिश मैंने आपके सामने पेश की है। ये मेरी पूरी डिश रेडी, इसका नाम है आरांचिनी। कैसे लगा आपको?